जलधारा फाउंडेशन की ये पहल, ये मुहिम आपको कैसे लगी, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहिए। ये जो आपकी पहल है बहुत ही अच्छी, बहुत ही काबिले तारीफ है, और आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये आप समाज को कुछ धारा में जाके बात कही है। मछली सर गुप्त जी का समय था तो उन्होंने कहा था कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, लेकिन हमारे कहता नहीं सबला जीवन गुड बाय तेरी बदल चुकी है कहानी, और बोतल में है दूध आंखों का सूख गया पानी। और आगे किसने कहानी शादी के बाद किस तरह से जिंदगी झंडू बाम होती है, यह नारी से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। आज जब बहन पे 99% के झूठे होते हैं, हम हाईकोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी आतंकवाद कहा, तब अनाड़ी कहता है सोचे रहा जब ब्याह हो जाई, सोचे रहा जब ब्याह हो जाई तो घर हमार स्वर्ग बन जाई, और किस्मत से मिल गई काली माई पूरे घर में आपत्ति आई, और जिंदगी हो गई हवा हवाई, और देखी देखी सुंदर सपना मन में अपने की कल्पना, आराम से पीती सुबह शाम, आराम तो हो गया हराम, जिंदगी हो गया झंडू बाम। और मेहरिया आई पढ़ी लिखी, मेहरिया आई पढ़ी लिखी, और हर कोने से ठीक लिखी, और थोड़े दिन ठीक चला, और धीरे तुरू घीस चला, और जब कैलिस तरंगी चाल, जब कैलिस तरंगी चाल दिखाई सी आपस माया जान, पूरा घर हो गया बेहाल, और दिन रात टीवी जिंदगी भर का झंडो बाम। अगर तनिको तेज से बोल दो तो नागिन सी फुटकार, अगर तनिको तेज से बोल दो तो नागिन सी फुटकार, और बात बात में भैया देखो कानूनी धमकी दे जा रहे, और एक दिन ऐसा आए गवा, एक दिन ऐसा आए गवा, पूरे धर्मा मातम छाए गवा, ससुराल से केस किनारा, और मैके में डारी भी आपन न्यारा, और कानून का फिर ही सहारा, और लगवाई धारा पर धारा, और वकील साहब दिखाई से कर्मी खे, वकील साहब दिखाई से कर्मी खे, पूरे घर का हो गई जेब, बड़ी मुश्किल से करवाए पेट, और इज्जत का सब निकला पे, और गजगे फजगे कपड़ा लगता, और गेट गेट गुजारा भत्ता, और समझ मावा पियाओ का धाम, जिंदगी हो गई झंडू बा। अगर किसी तरह के कानून बनते रहे, कानूनों का दुरुपयोग होता रहा, तो शादी करना स्वास्थ्य के लिए नहीं लेकिन जीवन के लिए जरूर हानिकारक हो जाएगा, लेकिन शादी जरूर करिए, क्योंकि सृष्टि की रचना कैसे होगी, जिस तरह सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और लोग पीते हैं इसलिए सिगरेट पीजिए सदासत, और शादी कीजिए फटाफट, अनारी को भी बढ़ाइए, और अनारी की कविता के अंतिम पंक्तियों को गले से लगाइए। अम्मा बप्पा खाएं धुआं था, अम्मा बप्पा खाएं धुआं था, और बहुरिया मिली वहां सुपना था, अम्मा बप्पा खाएं धुआं था, बहुरिया मिली वहां सुपना था, और जब तक कानून बने सत्यानाशी, जब तक कानून बने सत्यानाशी, पंजाब सत्य रहता दो सन्यासी, अनानी देवत है पैगा, अनानी देवत है पैगा, घर छोड़ो कानून पर लगाए बिरा, और जिंदगी हो गया झंडू बाम, जिंदगी हो गया झंडू बाम। धन्यवाद। परिवार द्रोह है, परिवार बचेगा तभी देश बचेगा, समाज बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तनिष्का जी के पास चलता हूँ। धन्यवाद। तो हमें बहुत कम कम बचा है, एंड स्पेशल थैंक्स टू सीओ साहब कि आप आ गए यहाँ पर, तो प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, एंड तो सर आपको भी बहुत इतने आपने जो भी तैयारी की वो बहुत अच्छा, और एक छोटा सा हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र दिया है, और एक छोटी सी भेंट है जो हम आपको देना चाहेंगे, शायद भी जा रही है, तो ये पति परिवार की तरफ से सर एक भेंट है आप प्लीज, कि वो भी हमारी माँ बहने हैं, वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है, वो भी महिलाएं, एक किसी महिला के झूठ या सच कह देने से किसी दूसरी महिला को प्रताड़ना देना भी एक सामाजिक बुराई में आता है, तो हम लोग इस कानून का विरोध तो नहीं करते, लेकिन जो महिलाएं इसका दुरुपयोग करती हैं उसके विरोध में जरूर है, कभी भी कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और सभी पुलिस कर्मचारियों से विनय निवेदन है कि जरूर दोनों पक्षों की जांच करें निष्पक्ष, क्योंकि जो महिला जेल जाने वाली है आप किसी की कंप्लेन से, वो भी एक महिला ही है, इस बात को जरूर से जरूर ध्यान रखें। तो हम चाहते हैं कि एक एंटरटेनमेंट तो आपने देखा, और
क्योंकि आप सभी लोग कोरोना के बीच में चालान करते होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर रिप्लाई आता होगा कि भाई कोरोना कहाँ है, कोरोना है कि नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज थे। तो सबसे टॉप मोस्ट क्लास का कोई व्यूज बताना चाहेगा यहाँ पर, जब आपने किसी बंदे को रोका कि भाई चालान कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया, तो तुरंत रिप्लाई आया होगा कि कोरोना है नहीं। तो कोई टॉप क्लास का बहाना आया आप लोगों के बीच में? सचो साहब, सही साहब, कुछ बहाना था ऐसा कोई? बहुत सुपर डुपर हिट ज्यादा सुपर डुपर हाइट का तो नहीं है, अभी कल ही शाम की बात है। कल ही से 25 तारीख से कोरोना नाइट कर्फ्यू चालू हुआ है। तो हम लोग जैसे ही कस्बा में निकले, मेरे साथ उपनिरीक्षक श्री प्रेम शंकर पांडे और राम सुमोध यादव जी थे। एक लड़का बड़ी तेजी से निकला, उससे पूछा गया कि कहाँ निकल रहे हो, रात के 11 बजे और क्या करने जा रहे हो? कह रहा है सर हमारे फ्रेंड की बाइक का तेल खत्म हो गया है, हम उसको टूचेक करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वही लड़का आता है, दोनों गाड़ी स्टार्ट होती है। जब उससे पुनः पूछा गया तो बोला कि सर वो हम लोग घर पे आए हैं मास्क लेने के लिए। तो ये विरोधाभासी बयान था बच्चे का, इसे सुनकर वास्तव में हंसी आई और रात हमारी लगभग 15 मिनट तक अच्छी रही उस बच्चे के जवाब सुनकर। सर एक तो वो मेरा बैनर है, उसके पास बाइक छोटी छोटी सी, हमको तो ऐसा लगा कि दूर चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। ये है कि आप लोग लाइफ से बहुत अच्छा है, इसमें जय हरा फाउंडेशन का लोगो भी है, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जी जी, आप लोगों को भी सम्मान, जब भी देखेंगे तनिष्का जी याद आएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली में लगा हुआ है और इसकी कीमत हर समय हर वक्त बहुत ज्यादा बहुत अहम थी, और ये छोटे छोटे से फ्लावर्स भी आपकी तरफ जाने में ये सुपर मेहमान है, और जी जी बहुत जरूरी है, बहुत एंड छोटा सा एक प्रेजेंट है जो मैं चाहूंगी कि मैं एसएसओ साहब को दूं। तो डायलिसिस के बिना वो लोग जो चाचा पर चल रहे थे, चल सकते थे, वो नहीं जा पा रहे थे, डायलिसिस के दौरान उनकी डेथ हो गई। डायलिसिस नहीं हुआ, शरीर पूरा पानी भर कर डेथ हो गई, कीमो का इंजेक्शन नहीं मिला, उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज देख के हृदय बहुत विद्योलित हो गया, अंदर से लगा कि अब क्या कर सकते हैं। तो कई लोगों ने मिलकर आपस में गाड़ियां अरेंज की और फिर रोड पे हम लोग निकले, क्योंकि हम लोग घर में बैठ भी नहीं सकते थे। तब से हम लोगों ने थाने में और तहसीलों में जागरूकता के प्रोग्राम, जहां पर गरीब लोग भी आते थे, पढ़े लिखे लोग भी होते थे, पढ़े लिखे बहुत है, एसडीएम साहब अधिकारी हो गए हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य के प्रति कहा जाए कि भैया बीपी कब से नहीं नपवाया, दो ढाई साल पहले बीमार हुए थे तब नपवाया था, जबकि इतना स्ट्रेस में आप लोग रहते हैं। छोटी सी बात है कि बीपी मशीन 1600-1800 की आती है, उस पर फोकस करके नोटिस करें, क्योंकि बीपी शुगर एक ऐसी छोटी छोटी बीमारियां होती है जो बड़ी बड़ी किडनी फेलियर। 11 बजे जब टिफिन पहुंचते थे पैक, तो दोपहर का भी ले लेते थे, शाम का भी ले लेते थे, अब तक 4 बजे वो सड़ता था, फिर रोड पे फेंकते थे। कई लोगों ने कंप्लेन किया मोबाइल नंबर पे, मैम आपका खाना फेंका जा रहा है, तो प्लीज आप लोग कुछ ऐसा करिए जिससे खाना वाना फेंका ना जाए। याद आया कि यानी तो खाना सड़ी गई, गर्मी इतनी हो रही है, सुबह का बना खाना 12 बजे खाया है, 4 बजे तक कहाँ रुकेगा। फिर हम लोगों ने ड्राई मटेरियल बिस्किट नमकीन वगैरह डोनेट करना चालू किया, वो अभी भी हमारा 1 साल हो गया कंटिन्यूसन, हम उन गरीब लोगों तक चीजें मेट्रो स्टेशन के नीचे रेगुलर हम लोगों की व्यवस्था जाती है, घंटे के लिए चैरिटी करती है। और जिस समय दोबारा कोविड आया उस समय तो स्थिति इतनी खराब थी, पहले वाले में तो लोग लॉकडाउन के मजे ले रहे थे, अरे वाह बढ़िया है, कोई बात नहीं, कहाँ लॉकडाउन कहाँ कोरोना, लोग रोडों पर निकलते थे किधर है कोरोना भाई, अब 4-6 बजे दुकान खुली है, जर्नलिस्ट तो चलो देखते किधर कोरोना है, तो ये मजे ले रहे थे। लेकिन सेकेंड टाइम जो 2021 का